जर्नल CMI टाइम्स। स्टूडेंट्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में फॉरेंसिक साइंस एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आता है। फॉरेंसिक साइंस में न्याय दिलाने की संतुष्टि के साथ हर दिन कुछ नया अनुभव करने का मौका भी मिलता है। ये करियर ऑप्शन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन्हें किसी भी क्राइम की डिटेल्स पर रिसर्च करना काफ़ी पसंद है और साथ ही जिन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस में भी काफ़ी हद तक इंटरेस्ट है। इसे करने के बाद कैंडिडेट्स को कई जगहों पर काम करने का मौका भी मिल सकता है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, लॉ फर्म, मिलिट्री और हॉस्पिटल। अगर करियर पाथ की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस कैंडिडेट्स के लिए कुल मिलाकर 13 रास्ते खोलती है। क्राइम साइंस इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट, ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिस्ट, फॉरेंसिक DNA एनालिस्ट, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनर, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नियुक्ति रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग, रिसर्च और एनालिसिस विंग सहित सेंट्रल और स्टेट स्तर की फॉरेंसिक साइंस लैब में SSC और UPSC के जरिए होती है। लैब असिस्टेंट से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक का सिलेक्शन इनके माध्यम से ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। अधिकारियों की नियुक्ति UPSC करती है। ज्यादातर सरकारी नौकरियों में 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, इसलिए कैंडिडेट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और ऑफिसर ही चलाते हैं, जिनकी देखरेख में नए कैंडिडेट्स काम सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की जहाँ से स्टूडेंट्स फॉरेंसिक साइंस में डिग्री भी ले सकते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में करियर बनाने पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग ही सैलरी की 25,000 पर मंथ से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।